नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए दुनिया भर के देशों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन कर रखा है, तो वहीं कोरोना की वैक्सीन विकसित करने का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भारत ने अग्रणी देशों में अपना नाम अंकित करा लिया है और उसका पूरा पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन का महत्वपूर्ण फैसला लेकर भारत में कोरोना को तीसरी स्टेज में पहुंचने से पहले ही रोक दिया है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर की, जहाँ शुरुआत से लेकर अभी तक कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है और उसकी मुख्य वजह सिर्फ यह है कि यहाँ का प्रशासनिक तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को लेकर काफ़ी जागरूक और सचेत है। जनपद ललितपुर के जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कुशल निर्देशन में लगातार अस्पताल परिसर के कोने कोने को सैनिटाइज कराने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय आदि को हिदायत दी गई है कि वे आने वाले मरीजों को सैनिटाइज कराएं तथा बाद में उनका उपचार करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों से बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है। वहीं जिला अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण जिले में लॉकडाउन का अनुपालन प्रत्येक नागरिक को बड़े ही अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को कोरोना वायरस की घातक बीमारी से बचने के लिए निरंतर जागरूकता प्रदान की जा रही है। वहीं संपूर्ण जिले में पुलिस अधीक्षक कैप्टन मिर्जा मंजर बेग ने सुरक्षा की कमान खुद संभाल रखी है और उन्होंने अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि हर हाल में लॉकडाउन 2.0 का शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अक्षरशः पालन हो। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद ललितपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों में थाना अध्यक्षों द्वारा भी अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज ललितपुर शहर में जिला चिकित्सालय समेत समस्त सरकारी कार्यालयों को बृहद अभियान के तहत फॉगिंग मशीनों के माध्यम से सैनिटाइज कराया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।